अच्छा जी, आप जहाँ भी ग्रहण करते हैं या अपहरण की, प्रवीत में इस तरह का वेद में देखिए, जिस लड़के का अपहरण है उसके पिताजी बयान दे चुके हैं और उन्होंने बताया है कि किस कि इसमें मंत्री विधायक या वो पार्टी के प्रवक्ता या जो भी हो सत्ताधर के लोग उसके इन्वॉल्वमेंट है, तो इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए थी और माननीय मुख्यमंत्री ने जांच का भरोसा दिया जिस दिन। दूसरे दिन उनके ईडी जी ने कहा कि इसमें किसी का हाथ नहीं है बिना जांच किए, इससे जांच प्रभावित होगी। अब नीचे के अधिकारी क्या जांच करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश है दमन, वो बार बार आरोप लगा रहा है व्यक्ति, तो इसकी दमन पुलिस को भी पूरी जांच करनी चाहिए। अगर इसकी जांच नहीं होती है तो ये बड़ा खतरनाक मामला है, क्योंकि अपहरण के बाद जिस तरह से टॉर्चर किया गया और ऐसा ही अपहरण पिछली सरकारों में हुआ करता था सरकार के संरक्षण में, इसीलिए अगर जांच पूरी तरह नहीं होती है तो ये माना जाएगा कि सरकारी संरक्षण में इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। अगर ये संदेश चला गया तो बिहार फिर उसी युग में लौट जाएगा जो बिहार अपहरण और अपराध के लिए बदनाम था। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि एक दो, चाहे वो मंत्री हो, नेता हो, प्रवक्ता हो, एक दो लोगों को बचाने के लिए ये पूरी राजनीतिक बिरादरी को बदनामी से के चंगुल में नहीं फंसाए, क्योंकि अगर एक दो लोगों को बचाने के लिए काम करते हैं तो पूरी राजनीतिक बिरादरी इससे बदनाम होती है। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं कि इसकी ऊंची सीबीआई हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो ऊपर की, केंद्र सरकार को भी इसकी जांच करानी चाहिए, चाहे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और आगे आने वाले दिनों में जो राजनेताओं की इमेज घट रही है एक दो नेताओं के चलते, उसका पर्दाफाश हो। अच्छा, मोदी जी जो चिल्ला रहे हैं बच्चे की तरह राहुल जी, कितने परसेंट है इनको राहुल जी? अरे जो ये 40 साल में गरीबों को रोजगार करने की आपने बात क्यों नहीं की? गरीब है कैसे, बैंक बनाकर भी इन्होंने गरीबों को रखा है सर। आरडी पाल आए हैं, बताइए भाई यार, मिलने लोग आए बुला दीजिए आरडी पाल राकेश जी। आज हो जाएगी।